Welcome to Binomo, trade on financial markets and get experience. Try a free $1,000 demo account right now. नमस्कार, आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूँ खबर 40। एक ऐसा बुलेटिन जहाँ एक ही जगह आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर राजनीति का रुख करेंगे। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का पूरा हाल। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर 40। इस हफ्ते और जुलाई के आखिरी कारोबारी दिन बाजार गिरावट लेकर बंद हुए। इंट्राडे कारोबार के दौरान बाजार में तेजी देखने को मिली, लेकिन अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़क कर बंद हुए। निफ्टी 15 अंक गिरकर 15,763 के स्तर पर बंद हुआ, तो सेंसेक्स ने 66 अंक गंवाए और ये आखिर में 52,587 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 107 अंक गिरकर 34,584 के स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स पर आज सबसे अधिक तेजी सनफार्मा में देखने को मिली, इसके शेयर 10% से अधिक बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंकों को छोड़कर दूसरे इंडाइसेस बढ़त लेकर बंद हुए। सबसे ज्यादा 3.63% की बढ़त निफ्टी फार्मा में देखने को मिली, तो निफ्टी मेटल में सबसे अधिक 0.7% की गिरावट दर्ज हुई। बिकवाली की अगर बात की जाए तो आज सेंसेक्स पर सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और SBI रहा। सरकारी तेल कंपनी IOC ने अप्रैल से जून तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा बढ़कर 5,940 करोड़ रुपए रहा है, जबकि 5,359 करोड़ रुपए के मुनाफे का ही अनुमान था। पिछले साल इसी दौरान कंपनी का मुनाफा 1,911 करोड़ रुपए रहा। पहली तिमाही में कंपनी की आय 1,18,000 करोड़ रुपए पर रही है। जून तिमाही में कंपनी का EBITDA मार्जिन 9.4% पर रहा। कंपनी की GRM यानी कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $6.58 प्रति बैरल रही। वहीं इस अवधि में कंपनी की कोर GRM $2.24 प्रति बैरल रही। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी रोलेक्स रिंग्स के IPO को जोरदार रिस्पांस मिला है। आज आखिरी दिन 130 गुना से ज्यादा भरकर ये बंद हुआ है। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 880 से 900 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी बेयरिंग रिंग के अलावा दोपहिया, पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ऑटोमोटिव कॉम्पोनेंट बनाती है। ये इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड टर्बाइन और रेलवे के लिए भी कॉम्पोनेंट बनाती है। इसकी राजकोट में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंघवी ने जोखिम लेने वाले निवेशकों को लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाने की सलाह दी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अप्रैल से जून तिमाही में देश में सोने की मांग 19% से ज्यादा बढ़ गई है। इस दौरान देश में सोने की मांग बढ़कर 76 टन रही, जो पिछले साल इसी दौरान 64 टन थी। हालांकि प्री कोविड स्थिति यानी कि 2019 की जून तिमाही से लेकर अब भी 2/3 ये कम ही है। 2019 की जून तिमाही में देश में 213 टन सोने की मांग आई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक जून तिमाही के दौरान देश में गोल्ड ज्वेलरी की मांग 55 टन और गोल्ड में निवेश की मांग 21 टन रही है। अप्रैल से जून 2021 के दौरान भारत ने 120 टन सोना इंपोर्ट कराया, जबकि पिछले साल इस अवधि में कोविड की वजह से सिर्फ 10.9 टन सोना ही इंपोर्ट किया गया था। म्यूचुअल फंड और शेयरों में पैसे लगाने वाले निवेशकों ने अगर अपने डीमैट और ट्रेडिंग खाते की KYC नहीं कराई है तो 1 अगस्त से उनके खातों को बंद कर दिया जाएगा। NSDL की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक सभी डीमैट और ट्रेडिंग खातों की KYC 31 जुलाई तक पूरी हो जानी चाहिए। NSDL के मुताबिक KYC के तहत डीमैट और ट्रेडिंग खाता रखने वाले निवेशकों को 6 जानकारियां, नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सालाना आय की जानकारी देनी होती है। जून 2021 के बाद जिनके खाते खुले हैं उनकी KYC अपडेटेड है। कोरोना महामारी के बावजूद मुंबई में प्रॉपर्टी बिक्री का 10 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है। जुलाई महीने में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन 4 गुना बढ़कर 7,857 रहा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जुलाई में सिर्फ 2,662 घरों की रजिस्ट्री हुई थी, यानी सालाना आधार पर 239% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नाइट फ्रैंक के मुताबिक मुंबई में इस बार लॉकडाउन की अवधि पिछले साल की तरह ही थी, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार प्रतिबंधों में जल्दी ढील दी गई। कंपनी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर 2020 में घरों की बिक्री पर 4 महीने के लिए स्टैंप ड्यूटी कम करने का निर्णय लिया था, जिससे संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में अच्छी वृद्धि देखने को मिली। क्रिप्टो करेंसी में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। क्रिप्टो की एक करेंसी बिनांस कॉइन में ईडी ने जांच शुरू की है। ईडी ने इस मामले में क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस होल्डिंग्स के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। कैमन आइसलैंड में स्थापित बिनांस आजकल रेगुलेटरी कार्रवाई का सामना कर रहा है, क्योंकि कई देशों ने इन चिंताओं के बीच इस बात की जांच तेज कर दी कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, नशीली दवाओं से निपटने और आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा रहा है।
कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगा दी। 31 अगस्त तक ये बढ़ा दी गई है। ये रोक कार्गो और डीजीसीए की इजाजत से चल रही फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगी। डीजीसीए ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर कुछ चुने हुए रूट्स पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की इजाजत पहले की तरह ही दी जाती रहेगी। आपको बता दें कि विदेशों में फंसे लोगों को भारत लाने या भारत से विदेशी नागरिकों को उनके देश पहुंचाने के लिए लगातार विशेष उड़ानें चलाई जा रही हैं। पहले ये रोक 31 जुलाई तक लगाई गई थी जो कल खत्म हो रही थी। हाल के वक्त के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में शामिल इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ने सोसाइटी और इकोनॉमी पर बड़ा असर डाला है। इस कोड के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। इसी सिलसिले में MyGov.in के साथ मिलकर IBBI ने IBC पर दूसरा राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज को लॉन्च किया है। अगर आप दिवालिया कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं तो क्विज में हिस्सा लेकर 1,00,000 रुपए तक का इनाम पा सकते हैं। ये क्विज 1 अगस्त से शुरू होगा और पार्टिसिपेंट्स इसमें 31 अगस्त तक हिस्सा ले पाएंगे। इसमें पहला इनाम 1,00,000 रुपए का है जबकि दूसरे स्थान पे आने वाले को 50,000 और तीसरे नंबर पर आने वाले को 25,000 रुपए मिलेंगे। इस क्विज में 10,000 रुपए के कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी है। साथ ही टॉप 10 परफॉर्मर्स को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा जाएगा।